हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आलोक कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पीके लोट मुझ में आपको स्वागत करता हूं। आज फिलहाल एक नया वीडियो लेके आया हूं, जो कि सोनी एलईडी टीवी है। इसका मॉडल नंबर आपको शो कर रहा हूं, देखिए मॉडल नंबर है KLV32R422B। ये मॉडल नंबर है। इसमें क्या फॉल्ट है कि ऑटोमेटिकली कुछ टाइम चलने के बाद ऑफ हो रहा है। अब आप देखेंगे क्यों ऑफ हो रहा है, इसमें बोर्ड में क्या फॉल्ट है। इसमें तो सारा सिंगल कार बोर्ड है, देखो 19 वोल्ट 9.5 वोल्ट में ऑपरेशन होता है। चल देखते हैं क्या फॉल्ट है इसमें, आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके बताऊँगा। देखिए दोस्तों, मैंने सप्लाई दे दिया लाइट में। अभी फिलहाल देखेंगे इंडिकेशन जो मैंने देखिए, अभी कोई इंडिकेटर नहीं चल रहा है क्योंकि ये तो ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन कस्टमर का कंप्लेन था कि जब कुछ टाइम के बाद ऑन होता है फिर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अभी मैं इसका बोर्ड निकल रहा हूँ, निकलने के बाद आपको दिखाऊंगा। साउंड रखा नहीं, कुछ कर दीजिए, इतना साउंड रखा नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने अभी 19.5 वोल्ट सप्लाई दे दिया हूँ। अभी स्विच ऑन कर जाओ। अभी फिलहाल उसका सप्लाई वोल्टेज चेक करेंगे। मैं पे डीसी 24 वोल्ट में रखा हूँ। अभी ब्लैक पावर को नेगेटिव में रखा हूँ। अभी फिलहाल इस पॉइंट पे हमको देखिए 19.8 वोल्ट मिल रहा है, मगर मतलब पावर सप्लाई ओके है। इधर एक जूम करो, इधर एक मॉस्फेट जैसा जो 8 पिन का आईसी लगा हुआ है, ये आईसी नहीं है, ये मॉस्फेट है। उसको ड्राइव करने के लिए इधर एक 6 पिन का आईसी, 6 पिन का ड्राइवर आईसी लगा हुआ है, जो कि उसको ये मॉस्फेट को ड्राइव करता है तो आगे पावर सप्लाई पावर पास करता है। देखिए हमारा पावर भी पास हो रहा है 19.8 वोल्ट। और दूसरा देखिए, इधर एक रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, उसका इनपुट वोल्टेज देखिए, दिखाऊँ आपको। देखिए उसका इनपुट वोल्टेज 19 वोल्ट इधर प्रेजेंट है, लेकिन इसमें इस वाला जो कॉयल है 3.3 पॉइंट का कॉयल है, उस 3.3 पॉइंट का कॉयल में कोई सप्लाई वोल्टेज नहीं है, क्योंकि ए 3.3 वोल्ट ए वाला रेगुलेटर आईसी को जाता है। ए पॉइंट ए वाला रेगुलेटर आईसी 3.5 इन होता है, 3.3 इन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वाला कॉयल से आउट नहीं हो रहा है, ये वाला आईसी आउट नहीं कर रहा है। इसके वजह से ये वाला रेगुलेटर आईसी को 1.3 नहीं जा रहा है। इसकी वजह से उस ए वाला आईसी 3.3 इनपुट होता है और आउटपुट 1.5 वोल्ट आता है, जो ए वाला जो प्रोसेसर हमारा है, ये वाला प्रोसेसर को ऑपरेटिंग करने के लिए स्टैंड बाई कंडीशन में, तो स्टैंड बाई कंडीशन में इसको 1.5 वोल्ट आउट होना चाहिए ये वाला कॉयल से। 1.5 वोल्ट भी आउट नहीं हो रहा है, 3.9 नहीं बन रहा है, 1.5 नहीं बन रहा है, इसी के वजह से हमारा सिस्टम डेड है। फिलहाल ये वाला आईसी तो मेरे पास नहीं है, ये वाला आईसी के बदले में मैं एक मॉड्यूल लगाऊंगा जो 3.3 वोल्ट होता है। ये वाला 3.3 वोल्ट देख के देखेंगे, अगर सिस्टम ऑन हो जाता तो ठीक है, नहीं तो अब नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाऊँगा क्या करना है। हेलो दोस्तों, देखिए ये वाला मॉड्यूल मेरे पास है, जो कि मैं ये वाला जो आईसी है मेरे पास तो नहीं है, मार्केट भी नहीं मिलेगा। इसके वजह से इसके बदले में मैं ये 3.3 वोल्ट यूज़ करूँगा, और इसके इनपुट वोल्टेज 12.5 वोल्ट से इनपुट 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक हम दे सकते हैं, और आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा 3.3 वोल्ट हमको चाहिए, तो 3.3 वोल्ट इस कॉल का सप्लाई में देखेंगे। देने के बाद अगर 1.5 वोल्ट बनता है तो हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा, अगर नहीं बनता है तो ये वाला प्रोसेसर खराब है। चलो देखते हैं ये वाला इसको इंस्टॉल करके इसमें। हेलो दोस्तों, देखिए ये वाला जो मॉड्यूल है मैं उसको इंस्टॉल किया था, मुझे लगा 3.3 वोल्ट हमारा मिसिंग था ये वाला रेगुलेटर आई से, 3.3 वोल्ट ये वाला कॉयल से देने के बाद ये वाला आईसी जोर से हीट हो रहा है, मतलब ये वाला प्रोसेसर जो मीडियाटेक का लगा हुआ है ये वाला फॉल्टी है, क्योंकि हमको ऑन का सिग्नल नहीं दे रहा है। अगर अभी इसमें 1.5 वोल्ट जो जा रहा है, अभी मैं ये वाला 3.3 वोल्ट जैसे ही सप्लाई दे रहा हूँ इधर से कॉल से, वो वाला 3.3 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, मतलब ये वाला हमारा आगे का सर्किट कहीं ना कहीं ख़राब है। मतलब 1.5 वोल्ट जा रहा है लेकिन इसमें प्रोसेस नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला प्रोसेसर ख़राब है। इसको तो ये वाला मीडिया टेक का आईसी हमको नहीं मिलेगा, शायद ये वाला बोर्ड हमको चेंज करना पड़ेगा। कस्टमर का एडवाइस ये क्या, उसमें ये वाला जो नॉर्मल पैनल है उसमें एंड्रॉयड बोर्ड इंस्टॉल करें,
हमें क्या है ये वाला इसमें 100 वोल्ट कॉम्बो वाला 100 वोल्ट सिस्टम करके, क्योंकि इसमें पावर सप्लाई नहीं है और बैकलाइट चलाने के लिए भी दूसरा बोर्ड लगेगा अगर साइड वाला बोर्ड लगाएंगे तो, इसलिए कॉम्बो बोर्ड हम इंस्टॉल करेंगे। कॉम्बो बोर्ड कैसे इंस्टॉल होता है आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, देखिए ये वाला बोर्ड में ये वाला स्मार्ट बोर्ड है जो कि नॉर्मल टीवी में इंस्टॉल करेंगे। देखिए अभी फिलहाल मैं ये वाला बोर्ड इंस्टॉल करूँगा, नया वाला बोर्ड मार्केट से परचेस करके लाया हूँ कि कस्टमर का हमारा कस्टमर को ने बोला है क्या उस ये वाला नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी बनाने के लिए, इसलिए मैंने मार्केट से 100 बोर्ड ला के इसमें इंस्टॉल करूँगा। अभी ला दिया हूँ 100 बोर्ड। देखिए ये वाला उसका डिस्प्ले पैनल का जाके, ये वाला उसका सॉकेट है और ये वाला हमारा स्मार्ट 100 बोर्ड जो कि 8 GB इंटरनल स्टोरेज देता है, 1 GB रैम के। देखिए ये वाला बोर्ड है उसका मॉडल नंबर आपको बताऊंगा, मॉडल नंबर SP3681.2 उसका मॉडल नंबर। ये वाला उसका वाईफाई कनेक्टर का जैक है। देखिए ये वाला उसका सेंसर का बोर्ड वगैरह की पैड है। अभी फिलहाल इसमें इंस्टॉल करेंगे। देखिए मैंने उसके बेस में फिटिंग कर लिया हूँ, इन्वर्टर जैक को दे दिया हूँ। ये वाला उसका साउंड का ऑडियो जैक को इंस्टॉल करेंगे। ऑडियो जैक को काट के फिर उसको वायरिंग करना है, लेकिन अभी इंस्टॉल अभी कर लिया हूँ। देखिए डिस्प्ले का जैक इधर से रख लिया और फिर इधर ऑडियो के जैक पे में भी वायर कनेक्शन कर लिया। अभी देखेंगे सप्लाई। देखे ये वाला जो LVDS लगा हुआ है लेफ्ट साइड का सप्लाई है। देखिए ये वाला LVDS लगाने से पहले आपको बार बार सोचना पड़ेगा क्योंकि आपका पैनल कितना वोल्ट का है इसी हिसाब से आपको सप्लाई देना है। अगर 5 वोल्ट का पैनल है तो 5 वोल्ट में कनेक्ट करें और 12 वोल्ट का पैनल है तो 12 वोल्ट। देखिए हमारा टीवी ऑन हो गया लेकिन पिक्चर उल्टा आ रहा है। पिक्चर उल्टा क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें रेजोल्यूशन तो मैच हो गया लेकिन पिक्चर उल्टा आ रहा है, मतलब मैपिंग का प्रॉब्लम है, मिरर इमेज आ रहा है। इसको हम ठीक करेंगे। इसको ठीक करने के लिए हमको सर्विस मोड पे जाना पड़ेगा। सर्विस मोड में जाकर फिर पैनल सेटिंग पे अपने मिरर ऑप्शन ऑल करना पड़ेगा। देखिए पूरा हमारा रेजोल्यूशन तो मैच कर गया लेकिन उसका पैनल का प्रॉब्लम आ गया मिरर इमेज। इसको ठीक करेंगे। देखिए अभी ठीक हो गया है। कैसे ठीक हो जाएगा आप जब ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे तो उसका सर्विस कोड आपको बता रहा हूँ। ये वाला स्मार्ट बोर्ड का सर्विस कोड है Source+208। आप प्रेस करेंगे तो आपका सर्विस कोड खुल जाएगा। सर्विस कोड खुलने के बाद आपको पैनल पे जाना है, पैनल सेटिंग पे जाना है। पैनल सेटिंग करने के बाद फिर आपका हो जाएगा।